हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में। जो आपका भूगोल में मैप्स का पार्ट है उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे, दक्षिण अमेरिका के देश देखे थे, उनकी राजधानियां देखे थे और उनकी स्थिति देखे थे, और इनसे संबंधित जो भी ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे, उन पॉइंटों को भी देखा था। आज बात करेंगे हम लोग अफ्रीका के देश और उनकी राजधानियाँ। अफ्रीका महाद्वीप के देश देखेंगे, उनकी राजधानियाँ देखेंगे और इनके बारे में जो प्रमुख तथ्य हैं, स्थिति है देशों की, उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैप में अफ्रीका की स्थिति देख लेते हैं। तो अफ्रीका आपका ये आपकी पृथ्वी हो गई पूरी, ठीक है, जिसमें आपका एशिया हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, इन दोनों को हम देख चुके हैं। अब बात करनी है मैं अफ्रीका की, तो यह है आपका अफ्रीका, जिसमें आपका ये अदन की खाड़ी से लगा हुआ, भूमध्य सागर से भी, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मोराटानिया, गिनी, घाना, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इरिटिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, केन्या हो गया, दक्षिण सूडान, युगांडा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून, नाइजीरिया, घाना, ठीक है, कोट डिवोइर, कैमरून हो गया आपका, मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो, गेवान, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, यहाँ का मोजाम्बिक, जाम्बिया, अंगोला, नाबिया, बोस्वाना, स्वाजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मोडागास्कर हो गए। आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका अफ्रीका में अपने गांधी जी गए कब थे और लौटे कब थे, ये कितने वर्षों तक यहाँ रहे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। आपको पता होगा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी, तो आपको बताना है कि कब ये गए वहां और कब वापसी लौटे, ठीक। तो ये था आपका दक्षिण अफ्रीका, ये आपका गिनी की खाड़ी होगी। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में प्रमुख तथ्य। तो अब देख लीजिए, ये आपका मोरक्को हो गया, इसकी राजधानी रबात हो गई, अल्जीरिया, अल्जीरिया हो गई, इसकी राजधानी हो गई अल्जीयर्स, ट्यूनिसिया हो गया, लीबिया होगा, इसकी राजधानी त्रिपोली है, मिस काहिरा, इसकी राजधानी, उत्तरी सूडान, इसकी राजधानी है खार्तूम, इरिटिया, इसकी राजधानी है असमारा, जिबूती, इथोपिया, इसकी राजधानी हो गई आदिस अबाबा, सोमालिया, जिबूती इसकी राजधानी होगी मोगादिस, निरोवी, केन्या की राजधानी निरोवी, तंजानिया हो गया, रवांडा हो गया, युगांडा, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये आपका चाड, नाइजर, माली, मोरिटानिया, पश्चिमी सहारा हो गया, केप वर्दे हो गया, गाम्बिया हो गया, सेनेगल हो गया, ठीक है, गिनी बिसाउ हो गया, ये बुर्किना फासो हो गया, नाइजीरिया हो गया आपका, सेरा लियोन हो गया, गिनी हो गया, लाइबेरिया हो गया, घाना हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, टोंगो, साओ टोम, प्रिंसिप, बेनिन, कैमरून, गेवन, कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अंगोला, जाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, ये आपका अफ्रीका, ठीक है, विक्टोरिया, मोजाम्बिक हो गया, स्वाजीलैंड हो गया, ठीक है, लेसोथो, यही है आपका, ठीक है। इसकी अवस्थिति की बात करें हम लोग, जो जो आपका दक्षिण अफ्रीका है, ये उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, आपको याद रखना है, ये आपका उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 37 डिग्री 14 मिनट से उत्तरी से अक्षांश, 34 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 20 डिग्री
पश्चिमी देशांतर से 51 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसके क्षेत्रफल की बात करें लो इसका क्षेत्रफल होगा 3,35,000 वर्ग किलोमीटर। देख लीजिए 3,35,000 वर्ग किलोमीटर सही है। उत्तरतम बिंदु है इसका जाल्टा ट्यूनिशिया में, दक्षिणतम बिंदु है कैप अगोलास दक्षिण अफ्रीका के पास, पूर्वोत्तम बिंदु है इसका रस साफून सोमालिया 51 डिग्री 24 मिनट पूर्व की ओर, पश्चिम बिंदु है सैन ट्रेंटो अटाओ केप वर्डे 25 डिग्री 11 मिनट पश्चिम में, उच्चतम बिंदु है इसका किलिमंजारो तंजानिया में, इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। 5,895 मीटर। निम्नतम बिंदु है इसका असाल झील जिबूती में 156 मीटर नीचे। अफ्रीका के स्थल बद्ध देशों की बात करें तो इसमें बुरुंडो है, बुर्किना फासो है और बोस्वाना है, कांगो चाड रवांडा इथोपिया लिसोथो मलावी माली नाइजर स्वाजीलैंड युगांडा जाम्बिया जिम्बाब्वे दक्षिण सूडान, ये सभी आपके अफ्रीका के स्थलबद्ध स्थलरूप देश हैं। ठीक है, या सेशल्स था आपका देख लेना, कोमोरोस हो गया, मेडागास्कर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं अफ्रीका के देश और उनकी राजधानियां, उनके बारे में जो प्रमुख प्रमुख पॉइंट है उन्हें भी देख लेते हैं। अल्जीरिया, इसकी राजधानी है अल्जीरियस, स्वतंत्रता कब मिली इसे 5 जुलाई 1962 को, किससे फ्रांस से, पहले फ्रांस का कब्जा था इस पर तो 5 जुलाई 1962 को इसे स्वतंत्रता मिली। शासन प्रणाली यहाँ की गणतंत्र है, भाषा है अरबी, आधिकारिक फ्रेंच, अरबी आपकी जो आधिकारिक भाषा है फ्रेंच है दूसरी। यहाँ की मुद्रा है दीनार। कुल क्षेत्रफल है इसका 23,81,740 वर्ग किलोमीटर। इसके पड़ोसी देश हैं लीबिया माली मारेटानिया मोरक्को ट्यूनिसिया। प्रमुख शहर हैं अल्जीरियस बतना बिस्कारा सोतिक आदि। धर्म है यहाँ का मुस्लिम। फिर आता है आपका मिस्र देश, इसकी राजधानी है काहिरा, इसे स्वतंत्रता मिली 28 फरवरी 1922 को, किससे, ब्रिटेन से, पहले इस पर ब्रिटेन का राज था लेकिन 28 फरवरी 1922 को इसे मुक्ति मिल गई, इससे यानी कि स्वतंत्र हो गया। शासन प्रणाली है गणतंत्र। यहाँ की प्रमुख भाषा है अरबी अंग्रेजी फ्रेंच। मुद्रा है पाउंड। क्षेत्रफल है इसका 10,01,450 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं फिलिस्तीन इजराइल सूडान लीबिया। प्रमुख शहर है इसके कहरा तांता अलमेनिया अल खारजिया अस्वान। धर्म है यहाँ का मुस्लिम। क्या है धर्म, मुस्लिम। अंगोला, इसकी राजधानी है लुआंडा। अंगोला राजधानी है इसकी लुआंडा। स्वतंत्रता मिली इसे 11 नवंबर 1975 को पुर्तगाल से। शासन प्रणाली यहाँ की गणतंत्र। भाषा क्या है, पुर्तगाली आधिकारिक है। फिर बंटू है अफ्रीकी भाषा है। मुद्रा यहाँ की क्वांज क्वांजा। ठीक है, मुद्रा क्या है यहाँ की, मुद्रा है अफ्रीका की, क्वांजाई है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल हो गया इसका 12,46,700 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है कांगो नामोबिया जाम्बिया। प्रमुख शहर है लुआंडा नामित्रे वांबे एम्बरेज। धर्म है यहाँ का ईसाई। फिर अगला देश है आपका बेनिन, इसकी राजधानी है आपकी बेनिन की पोर्टो नोवो। इसे स्वतंत्रता मिली 1 अगस्त 1960 को फ्रांस से, पहले इस पर फ्रांस
फ्रांस का कब्जा था। यहाँ की शासन प्रणाली की बात करें तो गणतंत्र, भाषा है फ्रेंच, अधिकारी, ठीक है, इसकी मुद्रा है सी एफ ए फ्रैंक। क्षेत्रफल है 1,12,620 वर्ग किलोमीटर। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, टोगो इसके प्रमुख पड़ोसी देश हैं। इसके प्रमुख शहर हैं कोटोनोव, पोर्टोनोव, पराकाउ। धर्म है इसका ईसाई और मुस्लिम। फिर आपका बोत्सवाना, बोत्सवाना इसकी राजधानी है गेबोरोन। इसे ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली 30 सितंबर 1966 को, क्योंकि इस पर पहले ब्रिटेन का कब्जा था। इसकी शासन प्रणाली की बात करें तो संसदीय गणतंत्र है। भाषा है यहाँ की सेतवाना और कलंगा। मुद्रा है यहाँ की पुला और इसका कुल क्षेत्रफल है 6,370 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है आपके नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अंगोला। प्रमुख शहर है गेबोरोन, फ्रांसिस टाउन, सिलेवी, फिटवे और धर्म है ईसाई। फिर दक्षिण अफ्रीका का आपका अगला देश है बुर्किना फासो। इसकी राजधानी है उआ उ आगा दोगु। स्वतंत्रता मिली 5 अगस्त 1960 को फ्रांस से। पहले इस पर फ्रांस का कब्जा था। शासन प्रणाली है इसका संसदीय गणतंत्र। भाषा इसकी फ्रेंच और मुद्रा है फ्रैंक। कुल क्षेत्रफल इसका 2,74,200 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं इसके बेनिन, घाना, माली, नाइजर, टोगो, कोट डी आइवरी। प्रमुख शहर हैं उआगा दोगु, बनपोरा, हादा नगोरमा। धर्म यहाँ के मुस्लिम, ईसाई और इस्नाई स्थानीय मत। फिर आपका बुरुंडी, इसकी राजधानी है बुजुम्बुरा। स्वतंत्रता मिली से 1 जुलाई 1962 को। यहाँ की जो शासन प्रणाली है वो गणतंत्र प्रकार की है। भाषा है यहाँ की फ्रेंच और किरुंडी, दोनों आधिकारिक भाषाएं। मुद्रा है यहाँ की फ्रेंक और कुल जो इसका क्षेत्रफल है वो 27,830 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है इसके रवांडा, तंजानिया, कांगो और प्रमुख शहर है बुजुम्बुरा, गिटेगा, बुआंजा, सिवी टोक और प्रमुख धर्म है यहाँ की ईसाई मुस्लिम और स्थाई मत, ठीक है। बांग्लादेश है हमारा कैमरून। इसकी राजधानी है याउंडे, ठीक है। इसे स्वतंत्रता मिली 1 जनवरी 1960 को। कहाँ इस पर पहले फ्रांस का कब्जा था। यहाँ की शासन प्रणाली की बात करें तो गणतंत्र है। भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच, दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं। मुद्रा है फ्रैंक। इसका क्षेत्रफल है 4,75,440 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है मध्य अफ्रीकी गणतंत्र, चाड, कांगो गणराज्य, गेवन, नाइजर। प्रमुख शहर हैं इसके याउंडे, बामिंडा, मारुआ, गाउंडेरे। धर्म है ईसाई मुस्लिम और स्थानीय मदवी। बांग्लादेश है आपका कैप वर्डे। इसकी राजधानी है प्राइया। इसे स्वतंत्रता मिली 5 जुलाई 1975 को, किससे, पुर्तगालों से। शासन प्रणाली है यहाँ की गणतंत्र। भाषा है पुर्तगाली, केवलो, केवली, ठीक। मुद्रा है यहाँ की एसक्यूडो और इसका क्षेत्रफल है 4,033 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है इसके चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ के प्रमुख शहर हैं पेया, मंडेला। धर्म है यहाँ की ईसाई और स्थानीय मत भी है। फिर आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इसकी राजधानी बेंगुई। इसे स्वतंत्रता मिली 13 अगस्त 1960 को फ्रांस से। यहाँ की शासन प्रणाली है गणतंत्र प्रकार की। भाषा यहाँ की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच और आदिवासी भाषाएं भी बोली जाती हैं। इसकी मुद्रा है फ्रैंक और जो कुल क्षेत्रफल है इसका ये आपका 6,22,984 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं कैमरून, चाड, कांगो, सूडान, कांगो गणतंत्र।
प्रमुख शहर हैं विया, बेंगुई, बम्बारी, कार्नूट। धर्म है यहाँ का ईसाई, मुस्लिम और स्थानीय मत। अगला देश है आपका चाड। कौन सा? चाड देश। चाड देश की राजधानी हो गया एन जमेना। इसे स्वतंत्रता मिली है आपकी 11 अगस्त 1960 को फ्रांस से। शासन प्रणाली है गणतंत्र प्रकार की। भाषा है फ्रेंच, आधिकारिक भाषा है, और आदिवासी भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। मुद्रा है फ्रेंक। कुल इसका जो क्षेत्रफल है वो है 12,84,000 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ के जो पड़ोसी देश हैं इसके, कैमरून हो गया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो गया, लीबिया, नाइजीर, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान। जो प्रमुख शहर हैं तो इसमें मोंगो, सार, आओजू, बोंगोर आदि हैं। धर्म जो है आप मुस्लिम और ईसाई। फिर अगला देश आपका कांगो गणतंत्र। इसकी राजधानी है ब्राजा विले। इसे स्वतंत्रता मिली है 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से। शासन प्रणाली यहाँ की गणतंत्र। भाषा है फ्रेंच, आधिकारिक भाषा है लिंग आलावी यहाँ की भाषा है। मुद्रा है फ्रेंक। जो क्षेत्रफल है इसका 342,000 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं अंगोला, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणतंत्र और गेवन। इसके प्रमुख शहर हैं ब्राजाविले, ओवांडो, इंजावला, मेडेंगो, कामेस, एम्फोडो, होंडो। धर्म है ईसाई। अगला देश है आपका लोकतांत्रिक कांगो गणतंत्र। इसकी राजधानी किनशासा। इसे स्वतंत्रता मिली थी आपकी 30 जून 1960 बेल्जियम से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है फ्रेंच, आधिकारिक है लिंगाला भी भाषा है, और किंगवाना भी यहाँ की भाषा है। मुद्रा है फ्रेंक। कुल क्षेत्रफल है 23,45,410 वर्ग किलोमीटर। और इसके पड़ोसी जो देश हैं उसमें शामिल है अंगोला, बुरुंडी, मध्य अफ्रीकी गणतंत्र, कांगो गणतंत्र और सूडान। इसके प्रमुख जो शहर हैं वो हैं किनशासा, बोम्बा, मबांडका, किंडू, लुबुन वासी, और जो धर्म है आगे ईसाई और मुस्लिम। फिर आता है आपका अगला देश जिबूती। राजधानी इसकी जिबूती सिटी। स्वतंत्रता मिली इसे 27 जून 1977 को फ्रांस से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है फ्रेंच, अरबी, दोनों ये आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा सोमाली भी यहाँ की भाषा है। मुद्रा है यहाँ की फ्रेंच। कुल क्षेत्रफल है 23,000 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं इरिटिया, इथोपिया, सोमालिया। प्रमुख शहर हैं जिबूती, दिखिल, अली साबे, ओबोक। धर्म है यहाँ के मुस्लिम और ईसाई। फिर आपका इक्वेटोरियल गिनी। इसकी राजधानी है मलाओ। इसे स्वतंत्रता मिली है 12 अक्टूबर 1968 को स्पेन से। शासन प्रणाली है यहाँ की गणतंत्र। भाषा है स्पेनिश। स्पेनिश भाषा आपकी आधिकारिक भाषा है, और फ्रेंच दूसरी भाषा यहाँ बोली जाती है। ठीक है, इसकी मुद्रा हो गई फ्रेंक। कुल क्षेत्रफल हो गया 28,051 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हो गए कैमरून और गेवन। इसके प्रमुख शहर हैं मलावो, बाटा। धर्म हो गया ईसाई। अफ्रीका महाद्वीप का अगला देश होगा हमारा इरिटिया। इसकी राजधानी होगी असमारा। इसे स्वतंत्रता मिली है आपकी 24 मई 1993 को इथोपिया से। शासन प्रणाली है यहाँ की संक्रमण काल से गुजर रही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भाषा है अरबी, टिग्रिनिया और अफन। मुद्रा है यहाँ की नकपा। क्षेत्रफल है इसका 1,21,320 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं जिबूती, इथोपिया, सूडान। प्रमुख शहर हैं असमारा, असाब, कुलुल, नकपा और मसावा। पर आपका इथोपिया।
इसकी राजधानी अदिस अबाबा है। विश्व के सबसे पहले स्वतंत्र देशों में से एक तथा सबसे पहला स्वतंत्र अफ्रीकी देश है इरिटिया, सॉरी इथोपिया। इसकी जो शासन प्रणाली है संघीय गणतंत्र है। इसकी भाषा है ओरो मिराना और अमरेगना। यहाँ की मुद्रा है बिल। कुल क्षेत्रफल है 11,27,127 वर्ग किलोमीटर। इसके पड़ोसी देशों में आपका जिबूती है, इरिट्रिया है, केन्या है, सोमालिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, आदिस अबाबा। इसके प्रमुख शहर हैं आदिस अबाबा, मोआली, जिमा गोंडर। यहाँ का प्रमुख धर्म है ईसाई और मुस्लिम। फिर आपका गेवन, इसकी राजधानी है लिब्रे विले। इससे स्वतंत्रता मिली है आपकी 17 अगस्त 1960 को फ्रांस से। शासन प्रणाली है यहाँ की गणतंत्र। भाषा है फ्रेंच, आधिकारिक और फ्रेंक। मुद्रा है यहाँ की फ्रेंक। कुल क्षेत्रफल है इसका आपका 2,67,667 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं कैमरून, कांगो गणतंत्र, इक्वेटोरियल गिनी। प्रमुख शहर हैं आपके लिब्रेविले, मकाको, माकोकू, कोकू और मुआंडा, चिवंगा। यहाँ के धर्म है जो आपकी ईसाई और स्थानीय मत। अगला देश है आपका गैम्बिया। गैम्बिया की जो राजधानी है वो है आपकी बांजुल। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 18 फरवरी 1965 को बेटिन से। यहाँ की शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है अंग्रेजी, आधिकारिक भाषा है, और मेंडिका यहाँ की दूसरी भाषा है। यहाँ की मुद्रा है डलासी। क्षेत्रफल है 11,300 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है सेनेगल। प्रमुख शहर हैं बोजुल, सेरिकुंडा, फेरापिनी, बिकाया बिसायु बिकायु। धर्म है मुस्लिम और ईसाई। अफ्रीका महाद्वीप में आपका अगला देश होगा घाना। इसकी राजधानी होगी आकरा। स्वतंत्रता मिली से 6 मार्च 1957 को बेटिन से। इस पर पहले बेटिन का कब्जा था। शासन प्रणाली है यहाँ की संविधानिक लोकतंत्र। भाषा हो गई आपकी अंग्रेजी, आधिकारिक है, आसांटे यहाँ की दूसरी भाषा है। मुद्रा है सैंडी। कुल जो क्षेत्रफल है इसका 2,39,460 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हो गए बुर्किना फासो, कोट डिआइवरी और टोगो। प्रमुख शहर हो गए आकरा, कुमासी, सनयानी और तमाली। धर्म हो गए मुस्लिम और ईसाई। फिर अगला देश है हमारा गिनी बिसाई। इसकी राजधानी हो गई बिसायु बिसाऊ। और जो स्वतंत्रता मिली इसे ये मिली थी 10 सितंबर 1974 को पुर्तगाल से। शासन प्रणाली गणतंत्र हो गई। भाषा है पुर्तगाली, आधिकारिक भाषा क्या है पुर्तगाली। यहाँ दूसरी भाषा क्योलो भी उपयोग में की जाती है। मुद्रा हो गई फ्रेंक। कुल जो इसका क्षेत्रफल है वो 36,120 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं गिनी, सेनेगल। प्रमुख शहर हैं बिसाऊ, फरीम, बफाता, केनचुंगो। धर्म है आपका मुस्लिम ईसाई, स्थानीय मत भी है। फिर आपका गिनी, बांग्लादेश क्या है गिनी। इसकी राजधानी है कुनाक्री। स्वतंत्रता मिली है इसे 2 अक्टूबर 1958 को फ्रांस से। आपको बताना है 2 अक्टूबर को किसका जन्म हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। शासन प्रणाली यहाँ की गणतंत्र। भाषा है फ्रेंच, आधिकारिक और मुद्रा है जो यहाँ की फ्रेंक है। कुल क्षेत्रफल है इसका 2,45,857 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं कोट डी आइवरी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, सेनेगल, सेरा लियोन। प्रमुख शहर हैं कोनाक्री, मार्सेंटा, कंकन, किसी डोगो डोगो। धर्म यहाँ का मुस्लिम और ईसाई। ठीक है। अगला आपका देश है केन्या।
एक बार और हम लोग मैप्स में देख लेंगे, देखो को टेंशन मत लीजिए, इनके बारे में भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें ध्यान में रखिए, एक बार और हम लोग मैप्स में इनकी स्थिति देख लेंगे। तो जो केन्या देश है इसका राजधानी हो गया नैरोबी, स्वतंत्रता हो गई आपकी मिली से 12 दिसंबर 1963 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली है आपकी गणतंत्र, मुद्रा है शिलिंग, और जो यहाँ का कुल क्षेत्रफल है वो 582,650 वर्ग किलोमीटर। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इथोपिया शामिल है, सोमालिया, सूडान, तंजानिया, युगांडा, और जो प्रमुख शहर हैं इसके नैरोबी, वजीर, गैरिसा, मोसाम्बा, मुम्बासा। प्रमुख धर्म है इसकी ईसाई, मुस्लिम। बांग्लादेश है हमारा लिसोतो, अफ्रीका महाद्वीप का बांग्लादेश क्या है लिसोतो। तो इसकी राजधानी है मसेरू, इसकी राजधानी क्या है मासेरू। उससे स्वतंत्रता मिली थी आपकी 4 अक्टूबर 1966 को ब्रिटेन में से। पहले इस पर किसका कब्जा था, ब्रिटेन का। और यहाँ की जो शासन प्रणाली है वो संविधानिक राजशाही है। कैसी है, संविधानिक राजधानी राजशाही। भाषा है आपकी अंग्रेजी, आधिकारिक भाषा है, और दूसरी लिसोथो। मुद्रा है लोती, कुल क्षेत्रफल है 30,355 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश में दक्षिण अफ्रीका, उप प्रमुख शहर है मसेरू, क्यूथिंग। प्रमुख धर्म है यहाँ की ईसाई और स्थानीय में। फिर आपका साई लाइबेरिया, बांग्लादेश क्या है लाइबेरिया। इसकी राजधानी है मोन रोवियो, रोविया। स्वतंत्रता मिली से आपकी 26 जुलाई 1847 को। शासन प्रणाली है यहाँ की गणतंत्र, और जो भाषा है अंग्रेजी है आधिकारिक। मुद्रा है यहाँ की साइबेरियाई डॉलर। कुल क्षेत्रफल है इसका 111,370 वर्ग किलोमीटर। इसके पड़ोसी देश हैं गिनी, कोडी आइवरी, सेरा लियोन। इसके जो प्रमुख शहर हैं मनरोविया, ग्रीनविले, रॉबर्ट स्पोर्ट इसके प्रमुख शहर हैं। और जो धर्म है यहाँ का ईसाई, मुस्लिम और स्थानीय मत भी है। अगला आपका देश है लीबिया, क्या है लीबिया। इसकी राजधानी है त्रिपोली। इससे स्वतंत्रता मिली थी आपकी 24 दिसंबर 1951 में इटली से। शासन प्रणाली है सैन्य शासन, और भाषा है अंग्रेजी, ओवी इतालवी। यहाँ की मुद्रा है दीनार, और जो इसका क्षेत्रफल है 17,59,540 वर्ग किलोमीटर। इसके पड़ोसी देशों में शामिल है आपके अल्जीरिया, चाड, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया। प्रमुख शहर हैं आपके त्रिपोली, सवार, बंगाजी और छाट। मुस्लिम देश है ठीक, धर्म क्या है इसका मुस्लिम। फिर आपका अगला देश है मेडागास्कर, इसकी राजधानी अंता तानरियो। इसे स्वतंत्रता मिली थी आपकी 22 नवंबर 1943 को फ्रांस से। यहाँ की शासन प्रणाली आपकी गणतंत्र है, भाषा है फ्रेंच, माला गासी दोनों की आपकी आधिकारिक भाषाएं हैं। मुद्रा है यहाँ की अरियारी, और जो कुल क्षेत्रफल है इसका वो है आपका 5,87,040 वर्ग किलोमीटर। ये आपका चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, मेडागास्कर आपका चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आंता नान रियो, महाजंगा और टुआ मासीना ये प्रमुख शहर हैं इसके। स्थानीय मत है और मुस्लिम भी यहाँ धर्म है ठीक। फिर आपका मलावी, तो इसकी राजधानी है ले लोंगवे, और इसे स्वतंत्रता मिली है 6 जुलाई 1964 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली है लोकतांत्रिक, भाषा है चीचेवा, आधिकारिक भाषा है, मुद्रा है क्वाचा। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है कुल 118,480 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है मोजाम्बिक, तंजानिया और जाम्बिया। प्रमुख शहर हैं ली लोंगवे, मुजुजू, क्वांटायर और सलीमा। धर्म है ईसाई, मुस्लिम। अगला देश है आपका माली, इसकी राजधानी है बामाकू। स्वतंत्रता मिली से 22 सितंबर
1960 को फ्रांस से। शासन प्रणाली है इसकी गणतंत्र, भाषा है फ्रेंच, आधिकारिक भाषा है, और दूसरी है आपकी बम्बारा। बम बारह फ्रेंक यहाँ की मुद्रा हुई, और जो क्षेत्रफल है इसका 12,40,000 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। पड़ोसी देश हैं आपके अल्जीरिया, बुर्किना फासो, गिनी, कोट डी आइवरी, सेनेगल, मारिटानिया, नाइजर। प्रमुख शहर है बामाको, सेगू, गाओ, सिकाव सू। धर्म है आपका मुस्लिम। बांग्लादेश होगा आपका मुराटानिया, मुरी टानिया। इसकी राजधानी है नो अक्सोट। स्वतंत्रता है 28 नवंबर मिली, इसे स्वतंत्रता कब मिली? 28 नवंबर 1960 को फ्रांस से। शासन प्रणाली है यहाँ की गणतंत्र, भाषा है अरबी, आधिकारिक भाषा है फ्रेंच, पोलार यहाँ के प्रमुख भाषा है। मुद्रा है ओ गुइया। कुल क्षेत्रफल है इसका 10,30,700 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देशों में इसके शामिल है अल्जीरिया, माली, सेनेगल, पश्चिमी सहारा। इसके प्रमुख शहर नू अक्सोट, फिफा, रोसो, बीर, मोग्रेन। प्रमुख धर्म है यहाँ का मुस्लिम। धर्म क्या है? मुस्लिम। अगला है हमारा मॉरीशस। अगला अफ्रीका महाद्वीप का बांग्लादेश कौन है? मॉरीशस। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 12 मार्च 1968 में ब्रिटेन से। यहाँ की शासन प्रणाली आपकी संसदीय लोकतंत्र है। भाषा है क्योर, भोजपुरी, फ्रेंच, अंग्रेजी, यहाँ की सभी आधिकारिक भाषा। याद रखिए मॉरीशस की भोजपुरी भी भाषा है। यहाँ की मुद्रा है मॉरीशस रुपया। कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,040 वर्ग किलोमीटर। ये आपका चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है देश है मॉरीशस। प्रमुख शहर है पोर्ट लुइस, टियोलेट और टेमेरिन। धर्म है हिंदू, ईसाई, मुस्लिम। अगला देश है हमारा मोरक्को। क्या आंसर? मोरक्को। इसकी राजधानी है रबात। स्वतंत्रता मिली से 2 मार्च 1956 को फ्रांस से। शासन प्रणाली है आपकी संविधानिक राजशाही। भाषा है अरबी, आधिकारिक है और फ्रेंच है दूसरी। मुद्रा है दिरहम। कुल क्षेत्रफल है 4,46,550 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है आपकी अल्जीरिया और पश्चिमी सहारा। प्रमुख शहर है रबात, आगादिर और साफी। धर्म है आपका मुस्लिम। ठीक है, फिर है आपका बांग्लादेश मोजाम्बिक। इसकी राजधानी है मापुतो। इसे स्वतंत्रता मिली 25 जून 1975 को पुर्तगालों से। यहाँ की शासन प्रणाली है आपकी गणतंत्र, भाषा है पुर्तगाली। पुर्तगाली जो भाषा है ये आधिकारिक है, स्थानीय भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। मुद्रा है यहाँ की मेटिकल, और जो आपका क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल है 8,01,590 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं मोजाम्बिक की मलावी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इसके प्रमुख शहर हैं मयोतो, नामपोला, बेरा, या ईसाई और मुस्लिम धर्म है। तरह आपका नामी बिया। इसकी राजधानी है विंड हो। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 21 मार्च 1990 को दक्षिण अफ्रीका से। शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा यहाँ की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, जर्मन भी बोली जाती है, अफ्रीकी भाषाएं भी ये प्रयोग में की जाती है। फिर आपका नामी बीआई डॉलर, यहाँ का डॉलर है। मुद्रा क्या है? नामी बीआई डॉलर। कुल क्षेत्रफल है इसका 8,25,418 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देशों में शामिल है आपके अंगोला, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया। प्रमुख शहर है विंडहोग, रियो बोत, रोंडू, गोवा देश और ईसाई। ठीक है, इसके प्रमुख देश। फिर आपका नाइजर। क्या है? नाइजर। राजधानी इसकी नियामी। स्वतंत्रता मिली 3 अगस्त 1960 को फ्रांस। यहाँ की शासन प्रणाली है आपकी गणतंत्र, भाषा है फ्रेंच, आधिकारिक भाषा है और होसा भी यहाँ की भाषा। मुद्रा है फ्रेंक। कुल क्षेत्रफल है इसका 12,67,000 वर्ग किलोमीटर।
नाइजर के प्रमुख पड़ोसी देश हैं अल्जीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड, लीबिया, माली और नाइजर। प्रमुख शहर नियामी, जिंडर और गया। धर्म यहाँ का मुस्लिम। अगला अफ्रीका महाद्वीप में अगला देश है आपका नाइजीरिया। इसकी राजधानी है आबूजा। इसे स्वतंत्रता मिली 1 अक्टूबर 1960 को बेटिन से। शासन प्रणाली यहाँ की संघीय गणतंत्र, और भाषा है अंग्रेजी आपकी आधिकारिक भाषा है। दूसरी भाषा यहाँ बोली जाती है होसा। मुद्रा नायरा है। कुल क्षेत्रफल 9,23,768 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है बेनिन, कैमरून, चाड, नाइजर। प्रमुख शहर है अबूजा, कानो, सुकातो, लागोस। नाइजीरिया के धर्म है ईसाई और मुस्लिम। फिर आपका रवांडा। अगला देश क्या है? रवांडा। इसकी राजधानी किगाली। इसे स्वतंत्रता मिली 1 जुलाई 1962 को बेल्जियम से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है किनेयर वांडा, फ्रेंच और अंग्रेजी। यह आपकी तीनों आधिकारिक भाषाएं हैं। मुद्रा है यहाँ की रवांडाई, प्रमफंक। ठीक है। कुल क्षेत्रफल है 26,338 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है बुरंडी, लोकतांत्रिक गणतंत्र कांगो, तंजानिया, युगांडा। प्रमुख शहर है किगाली, रोहेन, गेरी, बुटारे। बुटारे धर्म है ईसाई। प्रमुख शहर है यहाँ का साओ टोम प्रिंसिपे। राजधानी है साओ टोम। स्वतंत्रता मिली 12 जुलाई 1975 को पुर्तगाल से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है पुर्तगाली, आधिकारिक भाषा है। मुद्रा यहाँ की डोबरा। कुल क्षेत्रफल है 1,001 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है इसके, ये आपका आपका चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश है। प्रमुख शहर है साउटो, नेविस, सांता क्रूज। यहाँ का जो धर्म है वो है आपका ईसाई। अगला अफ्रीका का अगला देश कौन है? सेनेगल। टेंशन मत लीजिए, एक बार हम लोग मैप्स में अच्छे से देख लेंगे जिसे इन सभी देशों की स्थिति। ठीक है, इनके पॉइंट जान लें पहले हम लोग। सेनेगल देश की राजधानी है डकार। इसे आपकी स्वतंत्रता मिली 4 अप्रैल 1960 को फ्रांस से। ये आपका गणतंत्र है। फ्रेंच आधिकारिक भाषा है यहाँ की, बोलो यहाँ की दूसरी भाषा है। मुद्रा है फ्रैंक, और जो क्षेत्रफल है इसका ये 1,96,190 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी है, सॉरी देश है इसके प्रमुख पड़ोसी देश गैम्बिया, गिनी, गिनी बिसाउ, माली, मारिटानिया। सेनेगल के प्रमुख शहर हैं डाकर, काओ लेक, वियस, थियस, तांबा कोंडा आदि। मुस्लिम ईसाई यहाँ का धर्म है। फिर आपका सेशल्स। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। यहाँ की स्वतंत्रता मिली सिर्फ 29 जून 1976 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली गणतंत्र, और यहाँ की जो भाषा है क्रियोल और अंग्रेजी, दोनों ये आपकी आधिकारिक भाषा है। यहाँ की मुद्रा है सेशल्स रुपया। कुल क्षेत्रफल है 455 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है इसके चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है आपका देश। प्रमुख शहर है विक्टोरिया। यहाँ का धर्म है ईसाई और हिंदू। ईसाई और हिंदू धर्म है सेशल्स का, याद रखिए। पर्याप्त का सेरा लियोन। इसकी राजधानी फ्री टाउन। स्वतंत्रता मिली से 27 अप्रैल 1961 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली यहाँ की संवैधानिक लोकतंत्र। भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी जो भाषा है आधिकारिक है, मैंडे है। यहाँ की तेमिनी भी क्यों भी यहाँ की भाषा है। मुद्रा है लियोन। कुल क्षेत्रफल है 71,740 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है गिनी, लाइबेरिया। प्रमुख शहर है फ्रीटाउन, लुन शार, लुंगी, कबालम। धर्म है मुस्लिम, ईसाई और स्थानीय मतभेद। अगला देश है हमारा सोमालिया। इसकी राजधानी है मोगादिश। इसे
स्वतंत्रता मिली 1 जुलाई 1960 को इटली से। शासन है गणतंत्र। भाषा यहाँ की सोमाली आधिकारिक भाषा है। अरबी, अंग्रेजी, इतालवी भी यहाँ यूज की जाती है। मुद्रा है सिलेंग। क्षेत्रफल है इसका 6,37,697 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है जिबूती, इथोपिया, केन्या। प्रमुख देश है मोगादिश देशों, बाइदोआ, गैल गैल के सीओ। धर्म है आपका मुस्लिम। ठीक है, बांग्लादेश है आपका दक्षिण अफ्रीका, विक्टोरिया इसकी राजधानी है। स्वतंत्रता मिली से 31 मई 1910 को। शासन प्रणाली है यहाँ की गणतंत्र। भाषा है अंग्रेजी, अफ्रीका अफ्रीकी और स्थानीय भाषाएं भी यहाँ यूज की जाती हैं। मुद्रा है रेंडे। क्षेत्रफल यहाँ का 12,19,912 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है बोत्सवाना, लेसोथो, मोजाम्बिक, नामीबिया, स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे। प्रमुख शहर है केपटाउन, जोहान्सबर्ग, विक्टोरिया, किम्बरले और यहाँ का धर्म है ईसाई। बांग्लादेश है वहाँ का सूडान। सूडान की राजधानी है खार्तूम। स्वतंत्रता मिली 1 जनवरी 1956 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है अरबी आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी और स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। मुद्रा है दीनार। कुल क्षेत्रफल है 25,05,810 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है मध्य अफ्रीका गणतंत्र, वार्ड सॉरी चार्ड, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, इरिडिया, केन्या और दक्षिणी सूडान। प्रमुख शहर है खार्तूम, जुबा, मालाकल। धर्म है यहाँ का मुस्लिम, ईसाई और स्थानीय मक्की। फिर है आपका स्वाजीलैंड। इसकी राजधानी मेम्बा बेन। स्वतंत्रता मिली 6 सितंबर 1968 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली है राजशाही। भाषा है अंग्रेजी और सिसवाती दोनों आपकी आधिकारिक भाषाएं हैं। मुद्रा है ली लैंगनी। क्षेत्रफल है 17,363 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका। प्रमुख शहर है मेम्बा पेन, सितेकी, लोबाम्बा। धर्म है ईसाई मुस्लिम। अगला देश है हमारा तंजानिया। कौन सा है? तंजानिया। इसकी राजधानी है डोमा। स्वतंत्रता मिली से 26 अप्रैल 1964 को ब्रिटेन से। शासन है गणतंत्र और भाषा है स्वाहिली, अंग्रेजी ये दोनों आधिकारिक भाषा है। अरबी भी यहाँ बोली जाती है। यहाँ की मुद्रा है सिलिंग। वो इसका क्षेत्रफल है 9,45,087 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देशों में शामिल है बुरुंडी, केन्या, मलावी, मोजाम्बिक, रवांडा, युगांडा और जाम्बिया। इसके प्रमुख शहर हैं दार ए सलाम, इरिंगा, सोंगिया, डोडोमा। ईसाई मुस्लिम और स्थानीय धर्म है यहाँ का। ठीक है, फिर आपका बांग्लादेश टोगो। इसकी राजधानी है लोम। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 27 अप्रैल 1960 को फ्रांस से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है फ्रेंक, आधिकारिक भाषा है स्थानीय भाषा भी है बोली जाती है। मुद्रा है फ्रेंक। कुल क्षेत्रफल है 56,785 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है बेनिन, बुर्किना फासो और घाना। प्रमुख शहर है लोंग, कारा, दापाओंग। धर्म है ईसाई मुस्लिम और स्थानीय मदवी। यहाँ का अगला देश है ट्यूनिशिया। इसकी राजधानी है ट्यूनिस। स्वतंत्रता मिली से 24 मार्च 1956 को फ्रांस से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है अरबी आधिकारिक भाषा है और फ्रेंच भी बोली जाती है। ट्यूनिशिया की मुद्रा है दीनार। कुल क्षेत्रफल है 1,63,610 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है अल्जीरिया, लीबिया। प्रमुख शहर है ट्यूनिस, मोनास्टर बिरजिटा। धर्म है मुस्लिम। आपका युगांडा। इसकी राजधानी है कंपाल। स्वतंत्रता है 9 अक्टूबर मिली जिसे स्वतंत्रता 9 अक्टूबर
1962 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है अंग्रेजी, यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अरबी भी बोली जाती है और स्थानीय भाषाएं भी उपयोग की जाती हैं। मुद्रा है शिलिंग। क्षेत्रफल है इसका 236,040 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है केन्या, रवांडा, सूडान, तंजानिया, लोकतांत्रिक गणतंत्र कांगो। प्रमुख शहर है कंपाला, गुलो, गरो, गारुआ, मोरोटो। धर्म है ईसाई मुस्लिम। बांग्लादेश है आपका जाम्बिया। इसकी राजधानी लुसाका। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 24 अक्टूबर 1964 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है अंग्रेजी, आधिकारिक भाषा है। स्थानीय भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। मुद्रा है क्वाचा। क्षेत्रफल है इसका 752,614 वर्ग किलोमीटर। 752,614 वर्ग किलोमीटर। इसका जो पड़ोसी देश है अंगोला, मलावी, लोक गणतांत्रिक कांगो, मोजाम्बिक, नामीबिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे। प्रमुख शहर है लुसाका, मोंगू, चिबाटा। धर्म है ईसाई, हिंदू, मुस्लिम। ठीक है, फिर आपका जिम्बाब्वे। इसकी राजधानी हरारे। स्वतंत्रता मिली इसे 18 अप्रैल 1980 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली यहाँ की संसदीय लोकतंत्र। भाषा है अंग्रेजी, आधिकारिक भाषा है। स्थानीय भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। मुद्रा है जिम्बाब्वे और डॉलर। कुल क्षेत्रफल है 390,580 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है बोत्सवाना, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और जाम्बिया। प्रमुख शहर है हरारे, काडोमा, बुलाविया, मसबिंगो। धर्म है ईसाई और स्थानीय मत। ठीक है, यहाँ का धर्म है। तो ये थे आपके प्रमुख देश, जो अफ्रीका के प्रमुख देश हैं। तो बात एक बार हम लोग मैक्समैन की स्थिति देख लेते हैं। अफ्रीका के देश जो है, ये आपका अल्जीरिया हो गया, ये आपका मोरक्को हो गया, ये ट्यूनिशिया हो गया, ये लीबिया हो गया, ये आपका मिस हो गया, ये आपका उत्तरी सूडान है, यही आपका इरिट्रिया है, जिबूती, सोमालिया है, और आप एक इथोपिया है आपका, एक केन्या हो गया, और युगांडा, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणतंत्र, कांगो गणतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, ये आपका मलावी हो गया, जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बोस्वाना हो गया, नामीबिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, लेसोथो यहीं, स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेसल्स, मॉरिशस। ठीक है, ये आपका अंगोला। उसके बाद हम लोग कांगो, गेवन, कैमरून, यह आपका इक्वेगनी, यह आपका है साओटोम, बकप्रेंसे, बेनिन, यह आपका टांगो, टोंगो, ये आपका घना, आइवरी कोस्ट, ये आपका लाइबेरिया, ये आपका नाइजर हो गया, चाड हो गया, नाइजर हो गया, माली, बुर्किना फासो। इसके बाद बिसाऊ, सेनेगल, मोरिटानिया, पश्चिमी सहारा, केप वर्दे, गाम्बिया, गिनी। ठीक है, गिनी। ये थे आपके प्रमुख दक्षिण अफ्रीकी देश। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अफ्रीका की राजधानियां और प्रमुख नगरों के बारे में। ठीक है, तो यह है आपका नैरोबी। यह नगर केन्या की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है। यह चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास ही अवरडोर नेशनल पार्क भी आपका अवस्थित है। पर है आपका डकार। यह सेनेगल की राजधानी और बड़ा नगर है। यह खाद्य प्रसंस्करण, कार निर्माण, रसायन उद्योग का केंद्र भी है। यह है यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। फिर आपका फ्री टाउन। इसकी राजधानी है आप यह नगर आपकी सेरा लियोन की राजधानी
और प्रमुख बंदरगाह भी है। यह मत्स्य रसायन उद्योग, चावल मिलों का विकास हुआ है। अगला है आपका अदिस अबाबा। यह नगर इथियोपिया की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। यहाँ जिबूती वस्त्र, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण आदि उद्योगों का विकास हुआ है। हमारा है त्रिपोली। यह नगर लीबिया की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। यह वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, खाद्य एवं तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है। मपूतो, इसकी राजधानी है मोजाम्बिक की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा नगर महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। मोजाम्बिक का पहला तेल शोधन शाला भी यहीं स्थापित हुई थी। फिर आपका आगरा। यह नगर ग्रीनविच रेखा पर अवस्थित, घाना की राजधानी और प्रमुख बंदरगाह व सबसे बड़ा नगर है। यहाँ से कोकोआ, हीरा एवं लकड़ी निर्यात किया जाता है। लुआंडा, यह नगर अंगोला की राजधानी एवं यहाँ का सबसे बड़ा नगर व प्राकृतिक बंदरगाह भी है व सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ से पेट्रोलियम, हीरे, लोहा, टिम्बर का निर्माण निर्यात किया जाता है। डोडोमा, यह नगर आपका तंजानिया की राजधानी भी है। यहाँ उच्चतम शिक्षा केंद्र भी हैं और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। फिर आपकी हरारे। यह नगर जिम्बाब्वे की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। यहाँ तंबाकू, उर्वरक और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी। ट्यूनिस, यह आपका ट्यूनिशिया की राजधानी व बंदरगाह नगर है। सूती वस्त्र, पेट्रोलियम व रसायन उद्योग का काफी विकास हुआ है। यह अंगूर से बने शराबों के लिए प्रसिद्ध है। खारतूम, ब्लू नील और हेराइट नील के संगम तट पर अवस्थित है। उत्तरी सूडान की राजधानी है। यह सूडान की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। काहिरा, नील नदी के तट पर स्थित है। मिस्र की राजधानी व प्राचीन सांस्कृतिक नगर है। यहीं पर आपका विश्व का प्रमुख प्रसिद्ध आपका गीजा का पिरामिड भी है अवस्थित है। स्वाने, यह नगर आपका दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। इससे पूर्व इसका नाम पिटोरिया था। हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका अबूजा। यह नगर नाइजीरिया की नई राजधानी है। यह नाइजीरिया का प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है आपका। लूसाका, यह नगर जाम्बिया की राजधानी व देश का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ लिविंगस्टोन से होकर गुजरने वाले केप काहिरा रेलमार्ग पर स्थित है। मोगदिशु, यह नगर सोमालिया की राजधानी तथा महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। गृह युद्ध के कारण इस नगर को काफी क्षति हुई थी। यह सीमेंट व चीनी उद्योगों का विकास हुआ है। किनशासा, यह नगर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी व देश का सबसे बड़ा नगर भी है। यह सूती वस्त्र, शिल्पकला, तंबाकू, सिगरेट, सिगार बनाने का प्रमुख उद्योग भी है। अल्जीरियस, यह नगर अल्जीरिया की राजधानी व सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह तंबाकू उद्योग, आटा चक्की व पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। पेट्रोलियम, रासायनिक तथा कृषि वस्तुओं के लिए के निर्यात का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। फिर आपका गेबोरोन, यह नगर बोत्सवाना की राजधानी और यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का केंद्र भी है। यह यहाँ का प्रमुख औद्योगिक नगर भी है। फिर आपका अंताना नारियो, यह नगर मेडागास्कर की राजधानी और यहाँ से ग्रेफाइट, क्रोमाइट का निर्यात किया जाता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में वनीला का उत्पादन व निर्यात भी होता है। फिर आपका विंडहोग, नाविक मरुस्थल के पूर्व में अवस्थित यह नगर नामीबिया की राजधानी और प्रमुख औद्योगिक नगर भी है। यह खाद्य प्रसंस्करण का केंद्र भी है। फिर आपका या ओडे, यह नगर कैमरून की राजधानी व प्रमुख नगर है। यह टिम्बर उद्योग, रासायनिक उद्योग, वस्त्र उद्योग, पाम ऑयल उद्योग आदि के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका हरारे, यह जिम्बाब्वे की राजधानी है व देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है। यह रसायन उद्योग, वस्त्र उद्योग, तंबाकू प्रसंस्करण का काफी विकास हुआ है। यहाँ कोयला भी पाया जाता है। फिर आपका कंपाला,
यह नगर विषुवत रेखा के पास विक्टोरिया झील के तट पर अवस्थित है। ये उगांडा की राजधानी व प्रमुख नगर है। यह चीनी उद्योग, चाय उद्योग, काफी कॉफी उद्योग व तंबाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पर आपका बामाकू नाइजर नदी के तट पर अवस्थित है। यह माली की राजधानी है। यह माली का व्यापारिक एवं सांस्कृतिक नगर है। सीमेंट उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मूंगफली उद्योग यहाँ का प्रमुख केंद्र है। डरबन यह दक्षिण अफ्रीका का नगर है। यह देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र व बंदरगाह नगर है। यह रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पर आपका मनरोविया अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। लाइबेरिया की राजधानी व प्रमुख नगर है। यह सीमेंट उद्योग एवं रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध भी है। किलोमोटो यह जायरी के उत्तरी पूर्वी भाग में अवस्थित शहर है। यह सोने की खनन का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। बेंगोई यह नगर सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य की राजधानी बस सबसे बड़ा नगर है। यह कांगो नदी की सहायक नदी इवली नदी के तट पर अवस्थित अल अजीजिया सहारा मरुस्थल में अवस्थित यह नगर अल्जीरिया का शहर है। यह विश्व का सबसे गर्म स्थान है। विश्व में सर्वाधिक तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड यही रिकॉर्ड किया गया। फिर आपका बेंगोला अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित यह नगर अंगोला का आधुनिक कोस्मोपोलिटन पोलिटन नगर प्रमुख बंदरगाह है। बेंगोला ट्रांस अफ्रीकन रेलवे का एक जंक्शन भी है। जोहान्सबर्ग विक्टोरिया के दक्षिण में अवस्थित यह नगर दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक राजधानी है। यह यहाँ का सबसे बड़ा नगर व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र भी है। यह नगर स्वर्ण खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध भी है। फिर आपका केपटाउन यह दक्षिण अफ्रीका की विधिक राजधानी व बंदरगाह नगर है। अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर के बीच जलमार्ग से होने वाले व्यापार का एक प्राचीन लंगर स्थल है। इसे पोर्ट कोले के नाम से भी जाना जाता है। किम्बर्ली यह नगर हीरे की उत्तम किस्म के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पृथ्वी पर मानव द्वारा खोदी गई सबसे गहरी खान भी है जो सबसे बड़े हीरा खनन क्षेत्र में है। पर आपका मार्केस मोरक्को में अवस्थित नगर देश की धार्मिक राजधानी है। इसे लाल चीका से बने घरों के कारण रेड सिटी भी कहा जाता है। फिर आपका पोर्ट सईद सुएज नगर के उत्तरी सीमा पर भूमध्य सागर के तट पर स्थित नगर मिस्र का प्रमुख नगर है। यह मिस्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह भी सुएज नहर से होकर जाने वाले जहाज इसी बंदरगाह से होकर जाते हैं। पर आपका आबिद जान यह नगर आइवरी कोस्ट का एक प्रमुख नगर है व बंदरगाह भी है। यह टिम्बर, पाम ऑयल, कॉफी, लोह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका सिकंदरिया क्या है? सिकंदरिया यनील नदी के डेल्टा पर अवस्थित मिस्र का प्रमुख नगर व अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा नगर भी है। यह प्रमुख बंदरगाह प्राचीन सांस्कृतिक एवं शैक्षिक नगर है। ठीक है, तो ये चलिए ये थे आपके प्रमुख अफ्रीका महाद्वीप के देश थे, उनकी राजधानी, उनकी स्थिति देख लिए। लगभग लगभग जो भी आपका परीक्षा में आएगा इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एशिया के बारे में, उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ है। ये तीनों चैप्टर खत्म करने के बाद आपका मैप्स का जो विश्व का जो मानचित्र का जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है वो सभी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाहर कोई भी आपका क्वेश्चंस नहीं जाएगा। आपका बचा जो इंडिया का भारत का मैप्स का जो पार्ट बचा है उसे हम लोग अलग से अच्छे से बात करेंगे क्योंकि उससे अधिकतर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है।